गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आधा चैप्टर कर लिया था, ये करेक्ट 18 चैप्टर, नो प्लेस फॉर अस। सो लेट स्टार्ट। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? यस, यहाँ तक हम लोगों का हो चुका था। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू प्लेस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। Jatra was feeling faint in the hot sun and wind. His feet were burning on the coal tar of the Pakka road. ठीक है, न्यू प्लेस याद है, खेड़ी से उनको शिफ्ट होना था दूसरी जगह पे, वो ये न्यू प्लेस है। ठीक है, क्या था? समर आफ्टरनून। अब देखो, समर सीज़न, गर्मी का सीज़न, उसमें भी दोपहर का टाइम था और उसे कैसे लग रहा था, चक्कर आ जाएगा उसको, ऐसे टाइप उसे फील हो रहा था, क्योंकि जस्ट हॉट सन मतलब बहुत धूप और गरम गरम हवा। ठीक है, उसके पैर जल रहे थे क्योंकि वो रोड कैसा था, पक्का रोड जो कोल टार से बना हुआ रहता है, वो वाला रोड। देर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। एक भी ट्री नहीं था सिंगल कि कहाँ पे वो बैठ सके शेड में। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप। Jatra वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। अब ये जो है, वहाँ पर बिल्कुल सिर्फ हाउस या शॉप ही दिख रहे थे, एक भी पेड़ नहीं था। ठीक है, क्योंकि लोग तो पेड़ काट देते हैं ना घर बनने के लिए। ठीक है, अभी Jatra कहाँ जा रहा था? अपने घर जा रहा था, वो मेडिसिन खरीद कर लेकर आया था, जा रहा था। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। पिक्चर में देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। और उस वो क्या करा, उसके बैक पर क्या था? एक ओल्ड टायर। दिस डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दिस रबर पीसेस ऑफ ओल्ड टायर्स। चलो हम पहले पिक्चर देखते हैं। ठीक है, देखा ये पिक्चर, उसके हाथ में एक पॉलीथीन है, उसमें कुछ मेडिसिन है। ठीक है, और देखो एक वो रबर टायर है उसका। अब ये क्या करता था इससे? टू लाइट हिज स्टोव जलाने के लिए विद द रबर पीसेस। क्यों? दिस कॉट फायर फास्ट, क्योंकि वो जल्दी से आँख पकड़ लेती है। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड। सो फायरवुड सेव करने के लिए, और जल्दी से वो आग पकड़ लेता था, इसलिए वो क्या करते थे, Jatra क्या यूज़ करता था? रबर के पीसेस टू लाइट द स्टोव। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल। लेकिन कैसी गंदी सी स्मेल रहती है उसकी, है ना? जब रबर जलता है, पॉलिथीन जलता है, प्लास्टिक जलता है, कितनी गंदी सी स्मेल आती है। वैसे इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज। ये कौन सा विलेज है? सिंदूरी। पहले कहाँ पे था वो? कहाँ पर बॉर्न हुआ था? खेड़ी विलेज में। सो खेड़ी से कहाँ शिफ्ट हुआ है अभी? सिंदूरी विलेज। दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे हर चीज़ के लिए पैसे देना पड़ता है, जैसे कि मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड, फॉडर फॉर द एनिमल्स, हर चीज़ के लिए। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन। और वो लोग केरोसिन खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब इतने पैसे ही नहीं थे उन लोगों के पास। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। अब जैसे है केरोसिन जिससे स्टोव चलता है, तो वही में लेने के लिए पैसे नहीं है, तो बाकी की चीज़ें कैसे मैनेज करते होंगे वो लोग। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस Jatra रीच्ड होम। अब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, सोचते सोचते वो अपने घर पहुँचा। द रूफ मेड ऑफ अ टीन शेड मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। उनको वहाँ पर एक घर मिला था, रूम मिला था। ठीक है, उसका रूफ किस चीज़ से बना हुआ था? टीन से, टीन शीट से। तो सोचो वो गर्मी में कितना गर्म होता होगा, तो इतना गर्म था कि अंदर से घर कैसे लग रहा था? ओवन के जैसा। Jatra's वाइफ हैड हाई फीवर। उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा फीवर था। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धा टू स्लीप इन हर लैप। और वो क्या कर रही थी? वो अपने भाई को अपने यहाँ पे अपने गोदी में उसको सुलाने का ट्राई कर रही थी। आफ्टर ऑल, क्यों वो ये काम कर रही थी? आफ्टर ऑल देर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम। कोई बड़ा मतलब कोई बुजुर्ग उनके साथ में नहीं था। उसके मम्मी पापा थे, Jatra उसकी वाइफ और ये दो बच्चे। ठीक है, जैसे हम लोगों के घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं, तो होता है ना, हम थोड़ा टाइम मम्मी के साथ खेलते हैं, थोड़ा टाइम हम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ खेलते हैं, उनके पास रह जाते हैं अगर मम्मी बीमार है या मम्मी बिजी है तो। लेकिन इनके घर में तो कोई नहीं था दूसरा। Jatra's पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी। याद है उसके पेरेंट्स की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो इतने सैड थे कि उन्हें खेड़ी छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर। तो वहाँ से यहाँ आने के पहले ही दोनों की भी डेथ हो गई थी इन सिंदूरी। चलो अब इस वाले विलेज में क्या था।
देर वर ओनली 8-10 फैमिली ही कुड कॉल हिज ओन दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज. उनके पुराने विलेज से मतलब खेड़ी से सिर्फ 8 या 10 फैमिलीज थी जिनको ये जत्रा पहचानता था, जिनको बोल सकता कि हम हमारे लोग हैं. द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड. सारे लोग स्कैटर हो गए थे, मतलब इधर उधर ये हो गए थे, सब डिस्पर्स हो गए थे, एक जगह पे नहीं था पूरा विलेज. एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड. अब जहाँ जहाँ जिसको जिसको जगह दी थी वैसे वैसे लोग चले गए, तो बेचारे सारे अलग अलग हो गए थे, कोई इधर रहेगा कोई उधर. इस टाइम दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट. जत्रा ने सोचा था ना, सपना देखा था ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये वैसा नहीं था. देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे. इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन थोड़ी देर के लिए. एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड. देखो इलेक्ट्रिसिटी रहती ही नहीं थी लेकिन बिल तो पे करना है, करेक्ट. देर वेर टैप्स, नल तो थे बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था. इन दिस विलेज, इस विलेज में जत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड. देखो उन लोगों के खेड़े के घर ले लिए, वो जगह ले ली, और क्या मिला उसे, सिर्फ एक घर, वो भी टीन, सॉरी एक रूम, और वो भी टीन शेड का, ठीक है. इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स. एनिमल्स के रखने के, एनिमल्स को रखने के लिए जगह ही नहीं मिली, ठीक है. ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मिल गया उसे, मिला था, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग. अब मुझे बताओ कौन सी भी जगह पे हम लोग अगर सोचेंगे कि फार्मिंग करना है तो होता है क्या? नहीं होता है. वो जो सॉइल है वो फर्टाइल चाहिए होती है अच्छी, अगर वो रॉकी है या फिर सैंडी है तो उसमें फसल नहीं उगती. तो ये जो जगह इसको दी थी वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी. इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स. स्टिल फिर भी जत्रा एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड. फिर भी बेचारे बहुत काम करते थे. बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड. लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था उनको उससे. एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी. इतने भी पैसे नहीं बन पाते थे उनसे इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर, कि वो लोग सीड या फर्टिलाइजर खरीद के ला सके. इन खेड़ी, अब देखो खेड़ी का क्या बताया है, पीपल डिड नॉट फेल सिक ऑफन. वो लोग नहीं बीमार पड़ते थे ऐसे हमेशा हमेशा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा ना खेड़ी विलेज कितना सुंदर था. सुंदर मतलब जंगल था, हर जगह पे ग्रीनरी थी, ठीक है. वो लोग साथ साथ में रहते थे, जंगल में जाते थे, ठीक है. तो ऑब्वियसली वहाँ का जो मौसम था वो पूरा अलग था, यहाँ पे तो टोटली अलग था. इफ़ समवन फेल इल, अगर कोई बीमार भी पड़ जाता, देर वर मेनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम. तो वहाँ पर ना ये जो बड़े लोग हैं उनको सब पता रहता है कौन सी दवाई खाना है, कौन सा क्या करना है, तो वो सब उन्हें पता था. और वो मेडिसिन भी किस चीज़ से बनी होती थी? प्लांट्स की. सो देर वेर मेनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स. पीपल फील बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन. और लोग ठीक भी हो जाते थे वो मेडिसिन लेने के बाद. इन सिंदूरी देर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर. सिंदूरी वैली में हॉस्पिटल था लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, और सबसे मेन चीज़, एंड देर वेर नो मेडिसिन. मेडिसिन नहीं मिलती थी तो फिर क्या फ़ायदा. देर वॉज अ स्कूल हियर. वहाँ पर स्कूल था, ठीक है. बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज. अब ये सिंदूरी विलेज वाले लोग, वहाँ से ये खेड़ी वाले लोग बाहर से अंदर आए इधर, ठीक है, तो टीचर उनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी. देर चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज. क्यों नहीं देती थी? क्योंकि बच्चों को इन लोगों की लैंग्वेज समझती नहीं थी, इसलिए टीचर भी ध्यान नहीं देती थी. द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी. और सिंदूरी के जो ओरिजिनल पीपल थे उन लोगों ने ना ये खेड़ी वाले पीपल्स जो है उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था. दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज. उन्हें लगता था कि अरे ये लोग बात कैसे करते हैं, रहते कैसे, तो उनका कुछ अजीब लगता था. दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल. वो क्या करते थे, ये खेड़ी विलेज के जो पीपल हैं उनकी मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे. क्या बोलते थे? बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट्स. नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू. देखो उसने जो भी सोचा था उसमें कुछ आया, उसका ड्रीम हुआ कंप्लीट, कुछ हुआ लेकिन आधा अधूरा. चलिए देन वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जत्रा'स ड्रीम. नो. देन वॉट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज. अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. जैसे उसने कहा था ना कि उसको इलेक्ट्रिसिटी रहेगी,
तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन थोड़ी देर के लिए, टैप है लेकिन पानी नहीं है, स्कूल है लेकिन क्या है टीचर ध्यान नहीं देते हैं, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है, मेडिसिन नहीं है, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। हैव यू एवर बीन टू एनीवनस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, ऐसा हुआ है आपके साथ? हाउ डिड यू फील, जैसे हम सपोज किसी के घर जाते हैं वो लोग हम लोगों के ध्यान नहीं देता तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, ऑकवर्ड होता है उनके घर में और फिर ऐसा लगता है कि इसके बाद हम लोग कभी नहीं जाएंगे। वॉट ऑल डज योर फैमिली डू वेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, अब जब हम लोगों के यहाँ पे कोई आता है तब हमारी फैमिली कैसे करती है, पूरा अटेंशन उसकी तरफ देते हैं, करेक्ट, पे फुल अटेंशन टूअर्ड दैट गेस्ट, देन उसे कंफर्टेबल फील करवाते हैं और क्या करते हैं, मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, घूमने लेकर जाते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ हम लोग, है ना। चलिए देन नेक्स्ट, अब देखो हाँ खेड़ी विलेज हो गया फिर सिंदूरी विलेज, ठीक है, अब क्या बोला है देखो, सम ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद की बात है वही की, जतरा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन द सिंदूरी, ठीक है, कुछ साल तक वहाँ पे वो रहा, द चिल्ड्रन वेर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बट जतराज हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था सिंदूरी में, ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी, और उसे क्या मिस करता था, अपना ओल्ड विलेज खेड़ी, बट देर वॉज नो खेड़ी नाउ, अभी है क्या वो, था क्या अभी वो उस विलेज, उसका नहीं था, वो तो चला गया था पूरा डैम बिल्ड करने में, देर वॉज अ बिग डैम, अब वहाँ पर क्या था, एक बड़ा सा डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड द खेड़ी, खेड़ी विलेज में और आस पास में एक बड़ा सा क्या था, लेक था जिसमें वाटर कलेक्ट करके रखा था। जतरा थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवॉन्टेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, अब उसने सोचा कि अगर ये वाले जो लोग हैं यहाँ के सिंदूरी के लोग हमें अनवॉन्टेड गेस्ट बोलते हैं तो कम से कम ऐसे जगह पर तो जाओ कि जहाँ पर सपने पूरे हो, यहाँ पर तो ना लोग एक्सेप्ट कर रहा है ना हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखो उसके लिए उसने क्या किया, जतरा सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स, उसने अपनी जगह और एनिमल बेच दिए और फिर क्या कहा किया उसने, एंड केम टू मुंबई, और मुंबई आ गया, हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली, अब वहाँ पर आकर उसने अपने फैमिली के साथ नई लाइफ स्टार्ट की, हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर लाइफ, देखो उसका क्या सपना था, अभी देखो उसका सपना चेंज हो गया, अभी उसने घर के बारे में कुछ बोला कि ऐसा घर वैसा घर नहीं, अब क्या है उसकी प्रायोरिटी, उसके बच्चे स्कूल में जाए, उनका बेटर फ्यूचर और बेटर लाइफ मिले, और ये जो ड्रीम रहता है ना ऐसा जो है इसका जतरा का, वही ड्रीम सारे मम्मी पापा लोगों का रहता है कि बच्चों ने अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनका अच्छा फ्यूचर होना चाहिए और वो हमेशा खुश रहने चाहिए। चलिए देन नेक्स्ट पेज, ठीक है, अब है वो मुंबई में, हियर टू थिंग्स वेर नॉट ईजी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कुछ ईजी नहीं थी, बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन वो होप कर रहा था कि हो जाएगी ये सारी चीज़ें ठीक। जतरा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शैक, अब जतरा ने क्या किया, कुछ पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, किसको, वो जो वन रूम की रूम थी उसको ठीक करने के लिए। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उसके एक रिलेटिव ने उसे क्या बताया, बताएं, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, उसने कहा कि मनी वेस्ट मत करो अपना ये घर ठीक ठाक करने में, हु नोज क्या पता, वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, हो सकता है कि हमें यहाँ से भी ये भी छोड़ के कहीं और जाना पड़े। इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, देखो फिर से वही चीज़ हो गई ना, क्या कहा उसने कि मुंबई में आउटसाइडर जो है जैसे हम लोगों के जैसे आउटसाइडर उनके लिए कोई जगह नहीं है। देन जतरा वॉज स्केयर्ड एंड वरीड, अब जतरा को बहुत बहुत डर लगा, बहुत डर गया था वो और बहुत चिंतामग्न हो गया था, बहुत ही थॉट, उसने सोचा वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, कहा कि खेड़ी को छोड़ा किस चीज़ के लिए, सिंदूरी के लिए ना, हाँ वी देन लेफ्ट सिंदूरी, फिर सिंदूरी छोड़ दिया फॉर मुंबई, इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, अगर हमें यहाँ से भी कहीं जाना पड़ा देन वेयर कैन वी गो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे इन दिस बिग सिटी, ये इतना बड़ा शहर है मुंबई,
इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। उसने कहा इतनी ये बड़ी सी सिटी है, बड़ी जगह है, तो यहाँ पर मेरी फैमिली के रहने के लिए छोटी सी जगह भी पॉसिबल नहीं है, मतलब छोटी सी जगह भी मुझे नहीं मिलेगी। ये हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट हैड जतरा भाई थॉट व्हाइल मूविंग टू मुंबई। उन्होंने क्या सोचा था मुंबई शिफ्ट कर, जब वो मूव हो रहे थे वहाँ। देखो लास्ट पेज पे लिखा है कि क्या करना है। उन्होंने क्या सोचा था कि कहीं अच्छी जगह पर रहते हैं, लेट्स गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कम ट्रू। और उनका क्या ड्रीम था, टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। देन डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन। उसको वैसा लगा क्या वो, नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा था कि वो अभी वहाँ पे सेटल हो जाएगा, लेकिन नॉट पॉसिबल। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जतरा चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू इन मुंबई। कौन से स्कूल में जाते होंगे वो, गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। देन फाइंड आउट एंड राइट डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस। अगर आपको पता है, यस नो जो भी है लिख सकते हो। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। अगर सपोज ऐसा कोई है, जैसे मैं एक मेड को पहचानती हूँ, वो वैसी है, वो कहीं से आई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, फ्रॉम वेयर हैव दे कम। वो आई है यूपी से। वाई डिड दे हैव टू कम हियर, क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ पर फ्लड आया और फ्लड में पूरा गाँव उनका बह के चला गया, इसलिए वो वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए। वॉट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर। तो कैसी प्लेस में रहते थे वो, ठीक है। देन हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कम्पेयर टू द ओल्ड वन। ठीक है, जैसे वो पहले यहाँ पर आई तो पहले अच्छा सा घर नहीं था, फिर उसने दूसरा घर लिया। देन इज़ देयर लैंग्वेज और वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हियर, इन वॉट वेज। अब मुझे बताओ, अगर कोई यूपी का रहने वाला है वो पुणे में आकर सेटल हो जाएगा, तो लैंग्वेज में तो फ़र्क पड़ेगा ही, करेक्ट, और लिविंग स्टाइल में भी। देन लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक। डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक फॉर। बहुत सी चीज़ें हैं ना जो उन लोगों को आती हैं, हम लोगों को नहीं आती है। हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमोट, देन हाउ डू यू फील अबाउट दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर तुम लोगों ने कभी सुना है कि कहीं पर स्लम है, झोपड़पट्टी, उसको वहाँ से शिफ्ट करवा दिया दूसरे जगह पर, न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है। हाउ डू यू फील, तो कैसे लगता है हमें ये सारी सिचुएशन, इट इज़ अ बैड, ठीक है, बैड लगता है हमें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है। पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वैन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब्स, हाउ डू दे फील देन। लेकिन तब तो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो नई जगह पे जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, तो वो अच्छे से रहते हैं। देन डिबेट, सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ द स्लम, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन यूर सेल्फ, ठीक है। देन लाइक जतरा'स फैमिली, थाउजेंड ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटी ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन, डू यू थिंक देयर लाइफ मे बी बेटर इन द बिग सिटी फ्रॉम वॉट इट वॉज बिफोर। इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। सबसे पहले उनको ऐसा लगता होगा ना कि हम लोग अनवांटेड गेस्ट हैं, क्योंकि बिग सिटीज़ में इन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो लोग अच्छे से सेटल हो जाते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर जतरा के जैसा कोई रहेगा तो उनके लिए क्या होगा, इससे अच्छा तो वो सिंदूरी में ही अच्छा था।